हाय एवरीवन, सो आज का हमारा दिन है क्रंचेस एंड लेग्स का। क्रंचेस क्या करती हैं? क्रंचेस बेसिकली होती हैं जिसमें आप अपने कोर को प्रेस करते हो, ठीक है? तो आप ऊपर वाली मसल्स बनने लगती हैं, बीच वाली मसल्स बनने लगती हैं और नीचे लोअर एब्डोमेन की मसल्स बनती हैं। अलग अलग तीनों की अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। अब ये मसल्स जब बनेगी तो उनको भूख लगती है और वो भूख में क्या खाते हैं? आपके यहाँ का फैट खाते हैं, मोटापे को खा जाते हैं और सुंदर सा कोर, कहते हैं ना एब्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अलग अलग टाइप की यहाँ पर 8 मसल्स होती हैं। और वो कितनी डेवलप आप कर पाते हो जिन्होंने आपका सारा फैट खाना है? तो आओ हम मिल के रास्ता ढूंढते हैं मसल्स बनाने का, that is crunches। ध्यान रहे जिनकी बैक बहुत डैमेज है वो ये क्रंचेस नहीं कर सकते, ठीक है? वो सिर्फ एक ये लेट के वाली जरूर इस तरीके की कर सकते हैं, उसके अलावा जो हार्ड वाली क्रंचेस होंगी वो नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे एंड 1 2 3 4 and 5 6 7 and 8 9 and 10। Next, ये अगर हम धीरे करेंगे तो इसका इफेक्ट ज्यादा बढ़िया रहता है, यानी कि धीरे यहाँ आए, होल्ड करे और धीरे धीरे नीचे लेके जाए, इससे उसके मसल्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आता है। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, आपने साथ में ये साइड वाली बेली भी कम करनी है, सो आपने हील्स को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। We will repeat these all exercise afterwards, ठीक है? अभी ये आप ऐसे हाथ करके अपने नीज को टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 and 5 6 7 and 8 9 10। Now, hold. Legs right angle pe. Ab toes ko touch kar. 1 2 3 4 and 5 6 Knees seedhe rahe. 7 and 8 9 10। Now ये all exercises को अब हम दोबारा से repeat करेंगे और अब हम थोड़ा सा slow करेंगे ताकि ज्यादा अच्छा लगे। 1 2 3 and 4 and 5 and 6 7 and 8 and 9 and 10। 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10। ये आपने उठ के ही करनी है, ठीक है? लेटे लेटे नहीं करनी, उससे का इफेक्ट इतना नहीं आएगा। 1 2 3 4 and 5 and 6 7 and 8 9 10। लेकिन इतनी आसान ये है नहीं और इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा है। 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10। Now we will do exercises for lower abdomen। इसके लिए आप सबसे पहले दोनों लेग्स को ऐसे करना है, और अगर आप दोनों लेग्स को इकट्ठे नहीं उठा पाते हैं तो हम 1 by 1 करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10। अब इस लेग को अप डाउन भी करना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inhale. 1 2 3 4 ये दोनों लेग्स में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, दर्द होती है, तो हम हाथ से नीचे रखेंगे, बहुत सपोर्ट मिलती है. 9 10 अगेन. नाउ दोनों लेग्स को इकट्ठा. 1 ये सबसे ज्यादा नीचे जो हमारी बैली लटकती है उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी है. 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है. नाउ अब क्रंचेस के फुल क्रंचेस कहेंगे इसको. फुल क्रंचेस हैं कि आपने पैर दोनों जमा लिए हैं. अब हमने अपनी बॉडी को पीछे लेके जाना है और आगे लेके आना. देखो आगे हम यहाँ पर ले आएंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो हमें कंफर्टेबल नहीं होना, हमें अनकंफर्टेबल पोजीशन तक छोड़ना है. और यहाँ पर पूरा नीचे नहीं गिरना, वो तो आराम हो गया ना, यहाँ तक रखना है और फिर अनकंफर्टेबल पोजीशन. ठीक है, ये हमारा रहेगा. हाँ, इसमें पैरों के ऊपर बहुत जोर आता है, थाइस पे बहुत जोर आता है, क्योंकि जब बॉडी पीछे वाली ऐसे कर रही है तो होल्ड कौन कर रहा है? होल्ड आपके पैर पकड़ के बैठे और थाइस पकड़ के बैठे और उसके अंदर की मसल्स पूरे काम कर रही है. अगर आपसे नहीं हो पाता है स्टार्टिंग में, डोंट वरी, आपने अपने पैर बेड के नीचे या किसी अलमारी के नीचे, अलमीरा के नीचे उसको फंसा लेंगे, ताकि आप वो चीज़ आपके पैरों का प्रेशर लेगी तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, आप आराम से गिर सकोगे. ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी मसल्स डेवलप होंगी तो आप ऐसे भी कर पाओगे. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है. नाउ वंस अगेन वी विल डू, लेकिन अब हम हैंड्स को थोड़ा पीछे रखेंगे. ये टफर है, मुश्किल लगती है, तो आप वैसे ही कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 कोशिश करें पैर ना उठे. 7 8 9 10 Now, अब थोड़ा सा लेवल और उठाते हैं. अब हम अपने पैर को इस पोजीशन में रखेंगे. ठीक है, इजी करना है तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है कि वेस आपकी रोटेट हो, यही स्पाइन भी हिलती है और आपका ये भी. तो ये पोर्शन को हिलाने के लिए, यहाँ से पतला करने के लिए जो कमर में जल्दी आएगी वो आपने इधर से इधर टच करना है. अगर आपको अभी पैर ऊपर उठा के नहीं होता है तो डोंट वरी, आप सीधे कर लो. बट स्लोली स्लोली विद इन अ मंथ, आप एक महीने के अंदर मेरे साथ कम से कम 5 तो ऐसे करेंगे. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Repeat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सब एक्सरसाइजेस आपने मेरे साथ सिर्फ देखना नहीं है, साथ में करनी है. करने से फर्क पड़ेगा, देखने से फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है,
Now, next exercise is आपने अपने नीज और एल्बो को आपस में मिलाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, अब आपकी ये हुई थोड़ी सी क्रंचेस. अब हम अपनी करेंगे लेग्स की बाकी एक्सरसाइजेस, जिसमें सबसे पहली हमको लेग्स की फ्रंट में लेके जाना है, ये मसल्स को स्ट्रेच करना है. ठीक है, साइड में लेके जाना है तो ये मसल्स को स्ट्रेच करवाना है. यहाँ पर बहुत सारा फैट आता है, यहाँ पर फैट आता है, तो आप एक्सरसाइज करेंगे उसकी हम रेपिटेशंस करेंगे तो वो कम होगा. इस पोजीशन में कमर से फैट निकलता है, इस पोजीशन से यहाँ पर निकलता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इजी वन. 1, 2. बहुत सारी लेडीज इसको ऐसे कर लेती हैं, आप कहती हैं यहाँ तक पहुँच गया. मैंने बहुत लोगों को देखा ये ऐसे पहुँचा लेती है. नहीं, ये नहीं करना है. आपने साइड में यहाँ पर करना है. ये इसका इफेक्ट अलग है. इसका इफेक्ट बहुत इजी है. ये आगे को है, हमने साइड में करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पर भी फर्क पड़ता है, हिप्स का फर्क पड़ता है. यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा पैर. अब आपने बिल्कुल इस पोजीशन में बैठना है. नाउ रिपीट. अब हमारे पैर ऊपर इतना नहीं जा पाएगा, तो अगेन आपने ऐसे नहीं करना है. आगे करने का कोई फर्क हमारे टमी और इधर पर तो फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेग्स पे फर्क पड़ सकता है, बट हमने अपने टमी पर भी फर्क करना है. यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repeat both the exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now same process with the other leg. अगर आपसे एक टांग थक जाती है तो आप alternately दोनों टांगों से कर सकते हो. उसमें बीच में आराम मिल जाता है, थोड़ा सांस आ जाती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. जब करेंगे तो यहाँ पर फाइव सिक्स सेवन एट 9, 10. 2-10 दिन पहले शुरू करते वक्त मैंने कहा था 2 weeks में हम लूज करेंगे 2 किलो. मेरा 1 किलो ऑलरेडी हो चुका है और मैं खुश हूँ कि वो मेरे इस पोर्शन से ही फैट गया है, जबकि खाना मैंने कम नहीं किया. अगर खाना कम करके वेट लॉस होता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मैंने अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करके आपके साथ उससे लूज किया, प्लस फैट नहीं खाया, मीठा नहीं खाया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
टू वन के जी से ज्यादा ही यूज हुआ है तो उम्मीद है वी कैन फाइव हो सकता है सिक्स सेवन एट नाइन टेन. Now next exercise is like अपनी पीठ back पर उतरिए and one नहीं ये वाली करिए ठीक है नहीं sorry हम एक इकट्ठी करेंगे अब हम अलग अलग करेंगे one two three four five six seven eight nine ten. आपने नोट किया इसमें ये 70 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रोटेट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. नाउ अब अपनी बिल्कुल लेग्स को सीधा कर लो और अपनी तरफ में पुश करना है आपने ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. रिपीट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. गुड कैसा लग रहा है कुछ असर आया. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग्स की साइक्लिंग. साइक्लिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. आपने ये नोट किया मेरी ये सारी एक्सरसाइजेस एक कमरे में एक जगह बैठे बैठे हो रही हैं तो आपको अगर बाहर जाना है तो आप कार्डियो कीजिए रनिंग साइकिलिंग और स्विमिंग वॉकिंग वो भी बहुत जरूरी है लेकिन घर में बैठे बैठे भी आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हो रादर लेटे लेटे रख सकते हो. वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. तो आप एक अंगड़ाई ले लो एंड में जिसे हम कहते हैं स्ट्रेच. दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग चाहे आप अपने ऑफिस में काम करते हो तो लॉन्ग सिटिंग आवर के बाद में आपने अच्छा सा स्ट्रेच लेना होता है. मना है तो जाके बाथरूम में ले लो कॉरिडोर में ले लो बाहर जाके ले लो और थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से स्ट्रेच कर लो. पेपर चेकिंग कर रहे हो कॉपी में बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई कर करके ऐसे लिख 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 के तंग आ गए जोर से पढ़ाई लो ऐसे ऊपर को अपनी बैकबोन को स्ट्रेच कर दो ठीक है फिर ऐसे कर दो कर फिर ऐसे हाथ करके मजा आ गया सारी थकान खत्म हो गई ठीक है. अब आपको आज का सेशन कैसे लगा आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा. Bye for now. Thank you.